अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और अंदर जाके देखते हैं कि आज क्या बन रहा है। और आज आप लोगों को पता है मेरे साथ प्रैंक हुआ है, और वो प्रैंक ये है कि मेरे लेंस कैसे लग रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं। और मेरे साथ प्रैंक ये हुआ है कि मैंने ना मोबाइल में जब आई हूँ ना घर, तो मैंने 11 बजे मोबाइल चार्ज पर लगाया, और जब मैं 12 बजे देखती हूँ, मैंने कहा मैं 12 बजे व्लॉग स्टार्ट करूँगी, और जब मैं 12 बजे देखती हूँ तो मेरा मोबाइल चार्ज ही नहीं है। मज़े से मतलब ऑन ही नहीं था, बटन ही ऑन नहीं था। एक मिनट, कैमरा साफ कर, बटन ही नहीं ऑन था। फिर मुझे गुस्सा भी आया और मैंने कहा यार कोई बात नहीं, 1 बजे स्टार्ट कर लूँगी। तो अभी मैं व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ 1 बजे, और जाके देखते हैं कि आज मेरे घर में क्या बन रहा है। घर में बड़े दिनों के बाद चावल बन रहे हैं। वैसे हमारे घर में गोभी बन दिन हमारे घर में ना गोभी बन रही है, क्योंकि मेरी मम्मी को ना हर 2-3 दिन के बाद गोभी बड़ी अच्छी लगती है। और मेरी कबर्ड खुली हुई है, बहुत बुरा हाल है। और अभी मैं जो हूँ ना सही पंजाबन, एक रील बनाने के लिए मैं तैयार हुई थी, तो मैंने सोचा कि मैं वो बना लेती हूँ। और दूसरी बात यह है कि बड़ा अंधेरा आ रहा है, क्योंकि मैंने लाइट नहीं लगाई, मैं बड़ी लाइट कंजूस हूँ। और दूसरा क्या कहना था, भूल गई हूँ यार, याद करके आती हूँ कि क्या कहना था। सच में मैं भूल गई हूँ क्या कहना था, याद कहना था। 12% चार्ज है, भूख इतनी सख्त लगी हुई है, और चावल अभी कच्चे हैं, बने नहीं हैं। तो मैं क्या सोच रही हूँ कि पहले काम करने से पहले मैं चावल खा लूँ, क्योंकि मुझे बहुत भूख लग रही है। यानी कुछ भी मिल जाए खा लूँ। वैसे आप लोगों को दिखाती हूँ, ऐसा नहीं होता कि काम करने से पहले मैं कुछ खाऊं। और अभी चावल देखें कच्चे हैं, और गोभी यहाँ पे बन चुकी है, जो कि बहुत ही मज़े की लग रही है। यम्मी यम्मी यम्मी, और मुझे तहा की भूख लग रही है। अम्मी नमाज़ पढ़ रही हैं, तो चले खाना खा के मोबाइल चार्ज पे लगाती हूँ। तब तक खाना खाऊंगी, मोबाइल चार्ज हो जाएगा, उसके बाद पिक्चर शिक्चर लूँगी, फिर आप लोगों को इंस्टाग्राम पर पोस्ट करूँगी, और फिर आप लोग देखेंगे। कितनी लंबी सोच है वैसे मेरी, कल का पता नहीं है जीती हूँ या नहीं मरती हूँ। और काम ज़रा देखो कितने सोच लेते हैं इंसान, देखो क्या चीज़ है, कुछ भी नहीं है। और सोचता क्या क्या है, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, और पता कोई नहीं है। बहरहाल अभी के लिए बहुत है। ओके जनाब, तो खाना मेरा रेडी हो चुका है, और मैं अब खाना खाने लगी हूँ, फिर खाना खा कर आप लोगों से मिलती हूँ। अच्छा जनाब, तो हाँ चला गया। और दूसरी बात यह है कि अभी 8:45 बजे का टाइम है। टाइम बताना इतना ज़रूरी थोड़ी होता है, लेकिन होता है, क्योंकि हम आप लोगों के साथ अपनी रियलिटी लाइफ स्टाइल चेंज कर रहे हैं, आई मीन शेयर कर रहे हैं। और आज मैंने असाइनमेंट लिखनी थी एक, जिसकी वजह से मैं ज़्यादा व्लॉग नहीं बना सकी। मैंने टेंट लगाया अभी, इसलिए मेरी फिंगर रेड है। और अभी मैं अपनी फाइनली मैं अपनी कबर्ड साफ करने जा रही हूँ, सो मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगी कि मेरी कबर्ड कितनी प्यारी है। और नहीं दिखाने की, क्योंकि मेरी अम्मी मुझे कहती होती है कि मरीना तुम सारे काम कर लेती हो, लेकिन तुम एक क्या नहीं करती हो मम्मा, अलमारी अपनी अपनी कबर्ड को हमेशा साफ नहीं रखती हो, गंदी रखती हो। तो मैं आज अपनी सारी चीज़ों को अरेंज करने जा रही हूँ, और साथ ही साथ मैं आप लोगों को दिखाऊंगी अरेंज, यू नो आई समझा रही हूँ मैं आप लोगों को कि मैं अपनी चीज़ों को। और मैं अपने भाई को उठा रही हूँ कि यार उठो कोई अच्छा सा व्लॉग। ये बंदा देख सकते हैं आप, ट्यूशन किसी के, ये मेरे भाई के पास ट्यूशन पढ़ने आता है। जब हम ना किसी के घर ट्यूशन पढ़ने जाते थे, हमारा भी इस टाइम बहुत बुरा हाल होता था ना शामिर, जिस तरह तुम्हारी अभी कैफियत है, हमारा भी बहुत बुरा, इतना साथ मूड ख़राब होता था यार, 7:45 होने हैं बस, जल्दी से छुट्टी मिल जाए। और मैं दिखाती हूँ लोगों के भाई बहन होते हैं इतने लाइक इंटरटेनिंग और पता नहीं क्या क्या होते हैं, और मेरा भाई सुस्त ब्लॉग कसम से, इतना ही सुस्त इंसान है। मैंने इसको कहा उठो यार व्लॉग बना लेते हैं, खत्म। ये मेरे कबर्ड का हाल है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, बहुत बुरा हाल है। मुझे पता है मुझे कि मेरी कबर्ड बहुत बुरी हुई है, और मैं इसकी इसको अरेंज करने वाली हूँ। दो बैग्स हैं जो कि मेरी बहन की शादी के, इस पे सूट आए थे, ब्रांडेड सूट है इनके, ये बॉक्स बहुत अच्छे हैं, ये इतने अच्छे हैं, मुझे इतने पसंद आए हैं, तो मैंने रख लिया। मैंने कहा मैं इसमें अपनी ज्वेलरी डाल लूँगी, सो मैं जल्दी जल्दी इसे अरेंज करती हूँ, फिर मैं आप लोगों को बताती हूँ। यूट्यूब पर ऐसे ही आएगा डाकुआ सीधा।
असद, आप क्या कर रही हैं? हेलो करके बैठी हैं आप? यार मत कहो मेरे व्यूवर्स को, ये मैं अपनी सारा कबर सही कर रही हूँ। ये अभी सिर्फ इतना तुमने किया सही? हाँ, वो मैंने नए कपड़े सारे टांग दिए हैं। मैं इतना ऐसे सेक्शन भाई होगा बहन है, ऐसा भाई है, ये नहीं कहता कि जो है ना मैं तुम्हारे साथ जो है ना, ऐसा भाई है, ये नहीं कहता कि यार मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ। मैं क्यों करूँ? मैं अपनी कबर नहीं साफ करता। हाँ, इसकी कबर तकरीबन 100 है। ये मैंने किया था लेकिन अम्मी ने कपड़े धो के बाद तकरीबन हैंग हुए हुए कपड़े इसकी खाया। कबर्ड बहुत साफ है, लेकिन मैं क्या करूँ यार, मुझे टाइम ही नहीं मिलता। और आज मुझे टाइम मिला, मुझे डांट पिटी है कि अपनी कबर्ड को साफ करो और मैं वो कर रही हूँ, तो मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूँ। और यार कल हम लोग पापड़ी चाट खाने जाएंगे, ठीक है, जाओगे? पक्की बात है सबके साथ? गला है ठीक हो जाए पहले। चलो जी, मैं अब कबर्ड साफ कर लेती हूँ, फिर जब मैं ज्वेलरी करने लगूंगी अरेंज, तो फिर मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। तो ये देख सकते हैं, मैंने अपनी सारी चीज़ों को ऐसे फेंका हुआ है जैसे सेल में लगी हो। और कहीं जाना हो तो मैं कहती हूँ मम्मी मेरे पास तो ज्वेलरी ही नहीं है, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं। अब इनको उस बॉक्स में शिफ्ट करके फिर मैं आप लोगों को बताती हूँ। कबट मैंने अल्हम्दुलिल्लाह से, ये देख सकते हैं कबट में, सो ये हो जाए। ज्वेलरी को मैंने प्रॉपर सेट करके रख दिया, मैं आप लोगों को फिर भी दिखा देती हूँ। सो सुकून मिल गया मुझे। और अब खाना खाने की बारी है, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया। मैंने यहाँ पर इन बॉक्स में अपनी ज्वेलरी रख दी है, और यहाँ पे मैंने अपने स्ट्रेटनर्स और बाकी चीज़ें मतलब संभाल। पीछे पीछे ना मेरा क्या कहते हैं, अलमारी खुली होगी तो मुझे उलझन नहीं होगी और बुरा नहीं लगेगा। सुबह जाते हैं, आपकी ख्वाहिश पूरी होगी है ना अलमारी साफ होगी? मम्मा कह रही मेरी ख्वाहिश पूरी होगी है कि तुमने अलमारी साफ कर दी है। और अब खाना खाने की बारी है, खाने में क्या खाती हूँ बताती हूँ मैं आप लोगों को, और फिर उसके बाद व्लॉग को। मेरे लिए बड़े इंतज़ार के बाद खाना आ चुका है। खाने में क्या है, चिकन विद नान, और नान हीटर पे रख के कौन गरम करके खाता? बाबा ना नान हीटर पे रख के गरम करके लाइक उसको खाते थे और बहुत मज़ा आता था। मम्मा साथ साथ बोल रही तो जल्दी से खाना खाती हूँ। और आज मीठे में भी कुछ है, मीठे में क्या है, खाना खाती हूँ फिर आप लोगों से मिलती हूँ। बजाइए, मैं मीठे चावलों के साथ रोटी खाऊंगी। कभी ट्राई किया तुमने वैसे मीठे चावलों के साथ रोटी? मुझे बहुत पसंद है। अगर आप लोगों ने सेवर फूड का जर्दा नहीं खाया ना, तो समझो कुछ भी नहीं खाया। 90 रुपीज़ की ये प्लेट मिलती है, उस जो ये जर्दा होता है, देखना पिन लगी होगी। इनका जो जर्दा होता है ना, क्या ही बात। तो इसी के साथ हम अपने ब्लॉग को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।